आंटी जुनेद भाई अभी तक नहीं आए, इतनी देर हो गई है। मुझे तो डर है कहीं वहां झगड़ा ना हो गया हो। ऐसे तो वो ना ही जाता तो अच्छा था, क्या फर्क पड़ जाएगा उसके जाने से। मेरी उस अनारा को तो जो चोट पहुंचनी थी पहुंच गई। जुनैद के बाहर जाने से वो लोग कोई अपना फैसला तो नहीं बदल देंगे ना? जुनेद भाई वहाँ फारिस को लेने गए हैं आंटी। डॉक्टर ने कहा है कि अगर फारिस आएगा तो हुसन आरा की तबीयत ठीक हो जाएगी। खुदा करे कि वो उसको ले आए। जाओ। जुनेद भाई ये चोट कैसी? अरे बताओ ना जुनैद, क्या हुआ तुम्हें? मैं ठीक हूँ खाला। इसकी तबीयत कैसी है? हुस्ना बेहतर है, अब सो रही है। फारिस आया है तुम्हारे साथ? नहीं खाला, मैंने बहुत कहा उससे लेकिन नहीं माना, बल्कि अब तो शहर छोड़कर चला गया। और ये चोट वही लगी ना? ये चोट तुम्हें मारा पीटा है ना उन लोगों ने तुम्हें? सच सच बताना मुझे। जुनेद भाई की हालत से साफ पता चल रहा है वहां बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। बेचारे इतनी तकलीफ में लग रहे थे, मुझे लगता है उन्होंने बहुत बुरा सलूक किया उनके साथ। सिर्फ हमारी वजह से कितनी परेशानी उठा रहा है बेचारा। हालांकि उसका तो इस सारे मामले से कोई लेना देना ही नहीं है, उल्टा हमारी तरफ से ज्यादती हुई है उसके साथ। एकदम से कमरे से चले गए हैं। चले आए आंटी, उनको जाकर देखते हैं। बेरहम यार वे मेरा सब छीन के, क्या भरा दिल अभी तक नहीं, आज फिर लौट के क्यों खड़ा सामने। मैंने बहुत कहा उससे लेकिन नहीं माना, शहर छोड़कर चला गया।